सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी फाउंडेशन। और ये जो अपना हमने इसको जो स्टार्टअप किया है गैलेक्सी फाउंडेशन, इट हैज गॉट एन इंटेंशन। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट माय सेल्फ। माई नेम इज आनंद दुशिंग। आई एम अ नेवल ट्रेनर एंड आई वॉज अवॉर्डेड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन फॉर डिवोशन टू नेवल सर्विस। सो नेवी छोड़ने के बाद, नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद, आई हैव स्टार्टेड दिस गैलेक्सी फाउंडेशन। मेरा जो गैलेक्सी फाउंडेशन का जो एम है, दैट इज वेरी डिफरेंट एक्चुअली। दिस एम इज टू एजुकेट, देन टू एनकरेज एंड देयर बाय एम्पावर द यूथ। इसका मतलब, अगर हम एजुकेट करेंगे किसी को, दैट इज ट्रू एजुकेशन। हम डिग्री की बात नहीं कर रहे, उसे एनकरेज करना। एनकरेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी बोलती है कि 50 to 60,000 थॉट्स आपके माइंड में हर दिन आते हैं। कुछ थॉट्स आपके होते, कुछ थॉट किसी और के होते, बट यू वोंट बिलीव दिस, 90% उसमें से जो थॉट्स आते हैं, दे आर नेगेटिव थॉट्स। ओके, उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक साल के अंदर मोर देन 1 crore नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड को हिट करते हैं। एंड सेकेंडली, आवर माइंड इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, वन इज कॉन्शियस एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चीज वो सुनता है उसी को सच मानता है। तो कंटिन्यूसली अगर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स का हैमरिंग अगर हो रहा है, अगर कोई ये बोलता है कि नहीं तू नहीं कर सकता, यू कैन नॉट जॉइन डिफेंस फोर्सेज, यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन, और ये सब चीजें कंटिन्यूसली हमारे माहौल के अंदर, हमारे जो सराउंडिंग में हमको बोली जाती है, और ऑटोमेटिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिसीव करता है और हम उस अकॉर्डिंगली सोचना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमारा सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो पाता है। थर्ड थिंग, हमारा सब प्रॉब्लम ये आता है कि राइट एज में हमें राइट गाइडेंस नहीं मिलता। अपना जो राइट एज है किसी भी स्टूडेंट का पिकअप करने का, वो 8 से स्टार्ट होता है। 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 4 साल है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल होते हैं। इन सालों के अंदर अगर उसे राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज फर्दर। ओके, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिशन लेवल चल रहा है, अभी अपने जो डिग्रीज हम ले रहे हैं, अगर हम बीएससी लेंगे, बीकॉम लेंगे, जो भी डिग्रीज हम लेंगे, उस डिग्रीज के बेसिस पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वी हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली टूवर्ड्स अ गोल। तो ये जो गोल है, इसे हम कैसे पा सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम महाराष्ट्र के अंदर ये हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है, सब कुछ है उनके अंदर, बट दे डोंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर, हमें कैसे मूव करना है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस फोर्सेस में एंट्री करने के तरीके क्या क्या है। ओके, अगर हम देखें, यहाँ पे एनडीए आता है इसके सबसे पहला, उसके अंदर आपको 10+2 जो 12th बेसिस पे है वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एनडीए में गर्ल्स भी अलाउड हो चुकी है। ओके, 8 अक्टूबर गर्ल्स का फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। जो भी गर्ल्स 12th में है, 12th अपियर्ड है या फिर 12th क्वालिफाई हो चुकी है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। 8 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। इसके अंदर अगर उनका साइंस स्ट्रीम है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अगर है, दे कैन गो फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। आई रिपीट, अगर उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, साइंस फील्ड है, दे कैन ऑप्ट फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। अगर वो आर्ट्स और कॉमर्स फील्ड के हैं, दे कैन गो फॉर आर्मी। ओके, तो ये है एनडीए का, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे भी। सेकेंड आता है मेडिकल। अगर सपोज किसी को डॉक्टर बनना है, देखो डॉक्टर बनने के लिए हम बाहर से, हम नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, नो डाउट। नीट में अगर हमारा स्कोर अच्छा है, आई रिपीट, नीट में अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिलता है। सेकेंड, अगर नीट का हमारा स्कोर अगर अच्छा नहीं है, वी गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। बट मैं आपको सवाल पूछूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो, प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 10 lakh rupees पर ईयर तक निकल जाती है। मतलब अगर आपका जो चाइल्ड है, अगर वो मेडिकल करना चाहता है प्राइवेट कॉलेज से, यू आर स्पेंडिंग मोर देन 50 lakh rupees। 50 lakh स्पेंड करने के बाद, जब वो डॉक्टर बोल के पास आउट होगा वहां से, उसके बाद भी उसे कहीं ना कहीं जॉब करना होगा। उसका स्ट्रगलिंग कम से कम 3 to 4 साल का स्ट्रगलिंग रहेगा, देन सेटलमेंट की बात आती है। अगर आप डिफेंस के थ्रू मेडिकल करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, दैट इज कॉल्ड AFMC। नीट का आपका स्कोर रहेगा, उसे उसके हिसाब से आपको वहां अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपका सेकेंड स्टेप आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू रहेगा साइकोलॉजिकल, जो SSB का टाइप होता है। वो इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करोगे तो यू गेट एनरोल्ड इन AFMC। AFMC आपका कंप्लीट कोर्स MBBS गवर्नमेंट के थ्रू करवाएगा, थ्रू डिफेंस फोर्सेस। ओके, उसके अंदर आपको 1 rupee भी खर्चा नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। सेकेंडली, वाइल द कोर्स इज गोइंग ऑन, यू विल गेट स्टाइपेंड। ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसे आप पास आउट होते हो, यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स।
तो बहुत बड़ी बात है. यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मेडिकल, यू नो आर्मी नेवी के अंदर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मेडिकल ऑफिसर. आपका जो सैलरी रहेगा उसका जो बेसिक्स है वो 56,100 है. अगर आप जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता है जितना बेसिक होता है उससे डबल सैलरी होती. इसके बावजूद इन्हें और एक चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस. मतलब एक डॉक्टर का सैलरी 2 लाख प्लस निकल जाता है, ऊपर से जो रिस्पेक्ट मिलती है वो अलग. अब इसमें एक सेकेंड ऑप्शन आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एमएनएस. जो डॉक्टर के लिए ऑप्ट नहीं कर पाते या फिर उनका नीट का स्कोर में कुछ इश्यूज है या नहीं कर पा रहे उनके लिए सेकेंड ऑप्शन है. ये दो गर्ल्स के लिए खासकर ऑप्शन है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. 10th 12th के बाद उनका एग्जामिनेशन है, आप एमएनएस का एग्जामिनेशन दो, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो, देन अगेन कम द इंटरव्यू, इंटरव्यू क्वालिफाई करो और आपका 3 से 4 साल का नर्सिंग का कोर्स गवर्नमेंट कराएगी थ्रू आर्म फोर्सेस. उसके बाद यू विल बी अपॉइंटेड एज एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर. आपको भी रैंक मिलती है, आपका भी सैलरी स्ट्रक्चर उन्हीं की तरह होता है. यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग सल्यूट, यू आर गेटिंग एवरीथिंग जस्ट लाइक ए मिलिट्री ऑफिसर. सो दिस इज वेरी नाइस. और एक चीज है, अगर किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, ओके, इसने 10+2 के बाद JEE का एग्जामिनेशन दिया, JEE, ओके, तो JEE देने के बाद अगर उसका स्कोर अगर ठीक ठाक है, अच्छा है, तो ही कैन ऑफ फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम. उस स्कोर के बेसिस पे ही विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, दैट इज SSB. अगर उसने वो इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो गवर्नमेंट जो मिलिट्री के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां से उसे इंजीनियरिंग करवाया जाएगा. इंजीनियरिंग के बाद ही विल बी अपॉइंटेड एज ए इंजीनियरिंग ऑफिसर इन डिफेंस सर्विसेज. अब यहाँ देखो फायदा क्या होता है, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे, मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT को आप छोड़ दो, IIT समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप नॉर्मल किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपका चाइल्ड इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद उससे सेटल होने के लिए कई साल लग जाते हैं, क्योंकि जहां पर भी वो इंजीनियरिंग का डिग्री लेके जाएगा देयर ही विल बी कंसिडर एज अ फ्रेशर, और फ्रेशर को सैलरी इतना नहीं मिलता. क्योंकि मेरा बड़ा भाई खुद इंजीनियर था, उसने 1999 के अंदर इंजीनियरिंग से पास आउट किया था, मुझे आज भी आया था, हिज फर्स्ट सैलरी वॉज 3,000 रुपीज. अभी उसने धीरे धीरे करके पिकअप किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आज की डेट में अगर आप देखो कि इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हो चुके हैं कि बहुत ज्यादा इंजीनियर्स होने के कारण उनका वैल्यू खत्म हो चुका है. और कंपनी के अंदर अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे को 20,000-30,000 सैलरी चाहिए, कंपनी वाला आपको सिंपल रिप्लाई करेगा कि हमारे पास 10,000 में काम करने वाला बंदा अवेलेबल है, यू कैन मूव ऑफ. सो दिस इज द एक्चुअली ट्रेजेडी. ओके, अब जो लोग ग्रेजुएशन लेवल में आ चुके हैं, ओके, जिनका 10+2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल में है, ये ऑप्शन उनके लिए आता है. IMA है, OTA है, SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन है NCC के अंदर. ओके, IMA और OTA ये दोनों जो है ये बहुत ही फैंटास्टिक है. आपका जब ग्रेजुएशन हो रहा होता है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में अगर आप हो, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप CDS का एग्जामिनेशन दो. CDS के एग्जामिनेशन के अंदर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन आपका SSB होगा. वो क्वालिफाई होने के बाद यू विल बी गेटिंग ट्रेनिंग इन देहरादून फॉर 1.5 ईयर, और अगर आप OTA में जाते हो तो आपको 49 वीक्स का ट्रेनिंग होता है. वैकेंसी काफी है, अराउंड 400 वैकेंसी है, और यहाँ पर 175 वैकेंसी, मतलब 350 वैकेंसी इन अ ईयर, 200 वैकेंसी दो बार होती, मतलब 400 वैकेंसी यहाँ पे है और यहाँ पे 350 वैकेंसी है. अब ये हमें सोच लगती है कि इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और फिर ये 200-400 वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा. प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर या फिर दुनिया में कहीं पर भी वी हैव फॉलोअर्स, हमें फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन वी डोंट गेट लीडर्स. और SSB या फिर जो डिफेंस सर्विसेज है, दे आर सर्चिंग फॉर लीडर्स. अब ये लीडर्स क्रिएट क्यों नहीं होते, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. लीडर क्रिएट इसलिए नहीं होते कि दे आर नॉट बीइंग टॉट. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर छत्रपति शिवाजी राजा को उनकी मदर जिजामाता और उनके जो ट्रेनर थे दादाजी कोंडदेव, उन्होंने अगर ट्रेन नहीं किया होता, छत्रपति नॉर्मल इंसान बनते, लेकिन दे वर ट्रेन्ड बाय समवन हु वाज मोर इंटेलिजेंट, ओके, ही वाज मोर डेडिकेटेड, ओके. सो प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट गेट ट्रेनर्स टू ट्रेन द चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई आवर चिल्ड्रन डोंट एक्सेल. वी आर बीइंग टॉट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इन स्कूल्स, देन अगेन इन कॉलेज वी आर ओनली टॉट टू पास द एग्जामिनेशंस, वी आर नॉट बीइंग टॉट टू बी अ लीडर. So that is the reason why we Maharashtrian youths are failing everywhere. Okay, अब suppose किसी का graduation complete हो चुका है, he is in post graduation, जिसने MA किया है, MSc किया है, MCOM किया है,
अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर कोई बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा या फिर अपना बीए करेगा या एमए करेगा, एमकॉम करेगा, एमएससी करेगा, इन छह डिग्री लेने के बाद कोई बता सकता है कि उनके पास कोई श्योर शॉट जॉब है? कोई श्योर शॉट जॉब नहीं उनके पास। इन डिग्रीज के ऊपर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, ओके। बट डिफेंस फोर्सेस में इस डिग्री का यूज करके आप एनरोल हो सकते हो। अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो आर्मी में एजुकेशन क्रॉप है, ओके। ये बहुत ही फैंटास्टिक क्रॉप है। यहाँ पर अराउंड 40 वैकेंसी आती है एक साल के अंदर, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब अगर किसी ने लॉ किया है, कोई एग्जिस्टिंग लॉयर है जिसका लॉ कंप्लीट हो चुका है, उसका एज अगर 27 से नीचे है, ही कैन अप्लाई फॉर लॉ ब्रांच। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के अंदर लॉ ब्रांच है, तो वहां पर ही विल वर्क एज ए लॉयर, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि अब अगर किसी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, ओके, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर वो कंपनी के अंदर यहां वहां धक्के खा रहा है, तो उसको समझा सकते हो आप कि आप एक काम करो, 6 महीने के लिए यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपका इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से नहीं हुआ है, तो कम से कम आपकी लाइफ के आपको 10 साल डालने पड़ेंगे टू सेटल डाउन। और सेकेंडली, अगर आपने 10 साल यहाँ पे डाल भी दिए, अगर कोई रिसेशन आ गया, जैसे पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो कई सारे लोगों के जॉब चले गए, तो क्या ये गारंटी है प्राइवेट सर्विसेज में कि अगर मेरे को इंजीनियरिंग में अगर मेरे को जॉब लगता है, सपोज मेरे को 50,000 अगर कंपनी पे कर रही है, तो क्या मुझे वो कंपनी लाइफ टाइम 50,000 पे करने वाली है? कोई गारंटी नहीं। सेकेंड चीज ये है कि किसी भी प्राइवेट सर्विसेज में डू वी हैव पेंशन? देर इज नो पेंशन, देर इज नो श्योरिटी, देर इज नो गारंटी। अगर आप प्राइवेट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी पेंशन अवेलेबल नहीं है। ओनली डिफेंस सर्विस ही ऐसी चीज है जहां पर पेंशन अवेलेबल है, जहां मेडिकल फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। अगर आप कोई कभी पुणे विजिट करो, तो डेफिनेटली पुणे के अंदर जो कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसको एक बार विजिट करो। दैट हॉस्पिटल इज जस्ट लाइक 5-स्टार होटल। वहां की फैसिलिटी, वहां का डेडिकेशन, इट इज मार्वलस। आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और सेकेंडली, आफ्टर ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेज एज अ ऑफिसर या एज अ सोल्जर, आप जो भी रैंक से ज्वाइन करना चाहो, आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो अलग। सेकेंडली, आपको जो सैलरी स्केल है बहुत हाई है, आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास होती है। सेकेंड, आपको जो अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है, दैट इज मार्वलस। ओके, अब यहां पे आता है गर्ल्स। बहुत सारी पेरेंट्स है जिनकी जो गर्ल्स है, उसके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, सब कुछ है, बट उनके सामने सवाल ये आता है कि जो मेरी लड़की है वो क्या कर सकती है, उसके लिए क्या ऑप्शंस है? देखो, ओनली आर्मी के अंदर आप देखो तो गर्ल्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। शी कैन ज्वाइन सिग्नल्स। सिग्नल्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन, सीक्रेट कम्युनिकेशन, कोडिंग लैंग्वेज में होता है सारा वो, तो वो कम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर गर्ल्स एनरोल होती है। आर्मी एयर डिफेंस, ओके, जो हवा से अगर कोई अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी गर्ल्स एम्प्लॉय होती है वो ब्रांच के अंदर। देन आता है आर्मी एविएशन, गर्ल्स कैन बी अ फाइटर पायलट। फिर आता है आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स, जो भी डिफेंस सर्विसेज के वेपन सिस्टम्स होते हैं उस ब्रांच में भी गर्ल्स का एनरोलमेंट है। फिर आता है आर्मी एजुकेशन, गर्ल्स जो होती है या फिर लेडीज जो होती है, दे आर नेचुरल टीचर्स, इसलिए आर्मी एजुकेशन क्रॉप में भी उन्हें एनरोल किया जाता है। फिर आता है कॉम्बैट इंजीनियरिंग, ओके। फिर आता है आर्मी सर्विस क्रॉप्स। आर्मी सर्विस क्रॉप का मतलब यह होता है कि जो लॉजिस्टिक होता है, सप्लाई सेक्शन, उसके अंदर भी गर्ल्स का बहुत ही अच्छा रोल है। ईएमई, ओके, ईएमई एक टेक्निकल ब्रांच है आर्मी की। फिर आता है इंटेलिजेंस क्रॉप्स। इंटेलिजेंस मतलब जैसे रॉ है, आईबी है, और जो भी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसके तरह डिफेंस फोर्सेस में भी खुद की इंटेलिजेंस विंग है, वहां पर भी गर्ल्स का एनरोलमेंट है। फिर आता है आर्मी मेडिकल क्रॉप, दैट इज एएमसी, जो हमने पहले बात किया था। फिर आता है लॉ कैडर, फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हमने ऑलरेडी देखा, और फिर आता है आर्मी डेंटल क्रॉप्स। अभी यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा ये है, थॉट्स हैं। एन आर्मी ऑफ शिप्स लेड बाय अ लायन कैन डिफीट एन आर्मी ऑफ शिप्स लायन लेड बाय अ शिप। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ओके, दे आर नॉट गेटिंग एक्चुअली द लीडरशिप। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसे फॉलो करें लाइफ में, करें क्या, ओके। वो कहीं ऐसे माहौल में जा रहे हैं, नो, दे आर नॉट गेटिंग अ रोल मॉडल। क्या होता है, बिल गेट्स को एक बार पूछा गया था कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर यू नो सक्सेसफुलनेस, आप इस सक्सेस कैसे हुए? उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया कि आपके आसपास के जो 5 लोग हैं, उन 5 लोगों का आप इनकम कैलकुलेट करो, 5ों का इनकम ऐड करो, और उसका क्या करो, आप एवरेज निकालो, और आपका इनकम भी उतना ही रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस।
हमारे आसपास जो सर्कमस्टेंसेस है, हमारे आसपास जो लोग हैं, हम भी उन्हीं की तरह बनेंगे। जो होता है ना भेड़ चाल, हम भेड़ चाल के अंदर ही जाएंगे, अनलेस एंड अंटिल वी गेट सम लायन टू लीड अस। ओके ओके, नाउ दिस इज द फाइटर पायलट्स। तो ये फाइटर पायलट को देखने से आपको फील क्या होता है? सी, ये समथिंग डिफरेंट करियर है। ओके, नाउ ही इज इन स्काई, उसका जो वर्क स्टेशन है, उसकी जो काम करने की जगह है, वो आसमान में हजारों फीट ऊपर है। नाउ दिस इज स्पेशल फोर्सेस, इसे हम लोग मरीन स्पेशल फोर्सेस बोल सकते हैं या फिर हम उसको पैरा स्पेशल फोर्स बोल सकते हैं। दे आर स्पेशल फोर्सेस, दे आर डूइंग सच एक्ट्स दैट अ कॉमन मैन कैनॉट डू। दिस इज नेवल ऑफिसर्स पासिंग आउट परेड। ओके, तो ये कुछ ऐसा करियर है कि जो हर कोई चाहता है, बट पता नहीं होता है कि हमें कैसे उसको पाना है। अब अगर ये मान के चलो कि हमें इस करियर में इंटरेस्ट नहीं, हमें ये करियर नहीं चाहिए, छोड़ दो इस करियर, तो अपने लिए ये बचता है फिर आगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का आपको रियली पता होगा कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में अभी कई सारी वैकेंसी खाली है, लेकिन वैकेंसी फिलअप नहीं हो रही है। ओके, अब वो वैकेंसी कब फिलअप होंगी भगवान जाने, और वैकेंसी फिलअप होने तक आपके जो बच्चों की एज वहां रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, कॉम्पिटिशन लेवल कितना बढ़ेगा पता नहीं, ऊपर से रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है पता नहीं। अब अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट का जॉब अगर हाथ में नहीं मिलने वाला, तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट सर्विस में ऐसी भीड़ होती, वहां पर आपकी टैलेंट की, आपकी इसकी कोई इज्जत और वैल्यू नहीं होती। अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा रिच है आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन कोई एवरेज है उसके लिए मुश्किल है। ये गर्ल्स के लिए देखिए, दे आर फाइटर पायलट्स, तो उनका लाइफ देखिए कैसा है, देयर समथिंग डिफरेंट, एक अलग जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। अब अगर वो गर्ल्स वो जिंदगी नहीं जिएंगे तो ये जिंदगी उनके लिए ऑटोमेटिक आने वाली है, घर का काम, ये वो बाकी सारा। और सेकेंडली क्या होगा कि वो डिपेंडेबल रहेंगी, उसके हस्बैंड पे डिपेंडेबल रहेंगी, और बाकी यू नो उसका खुद का कुछ नहीं रहेगा। और जब उसका खुद का कुछ नहीं रहेगा तो शी विल बी यू नो एक स्लेव की तरह रहेगी वो। ओके, उसको हर चीज के लिए ना उससे, हस्बैंड से या जो भी है उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये ले सकती हूँ। मतलब वो खुद की जिंदगी कब जिएगी, व्हेन शी विल लिव हर लाइफ। तो ये सोचने वाली बात है, ये आपको डिसाइड करना है व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू फॉलो द शिप्स, जो भेड़ बकरियां है जो चल रहा है वो चलना है, या फिर हमें कुछ अलग करियर, अलग पाथ चूज करना है जिससे हमारी लाइफ जो है कुछ अलग बने। ये डिसीजन आपका होता है, और इस डिसीजन लेने के लिए आपको शुरुआत बहुत जल्दी करनी होती है। मैं आपको पहले बता दूं, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 3 से 4 से 5 साल आपके लाइफ के, बच्चों के लाइफ के हैं, वो सबसे ड्रामेटिक और बहुत ही प्रॉपर साल होते हैं। इसके अंदर अगर हमने उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया तो लाइफ में हम उनको ब्लेम नहीं करना है कि आपने तो, मतलब बच्चों का कभी ब्लेम मत करो लाइफ में कि तूने ये नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो ये हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सिंपल बात है कि इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ टारगेट तो आपको आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। ओके, अभी अगर कुछ क्वेश्चन है तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग।